रजा चिंतित हल चिंता हठात रजार दरबार रुक्मणि सोमाय राजीव जी का आज पुण्यतिथि में हम लोग हमारा राजीव भवन में जो राजीव जी का स्टेच्यू है हमने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि निवेदन किया। और असम के लिए राजीव जी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है असम एकॉर्ड 1985 14 अगस्त रात को राजीव जी ने असम को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया असम एकॉर्ड का नाम से, यह असम का जनता कभी भी नहीं भूल सकता है। और आज सबको मालूम पड़ा है जब का बीजेपी ने लागू करने का सर्जन किया है, इस समय असम का हर जनता राजीव जी का वो अवदान को अभी फिर इसका कितना गंभीर एक अवदान राजीव जी ने असम एकॉर्ड का माध्यम से दिया था अभी सबको महसूस हो रहा है। नहीं, हम तो का खिलाफ है, हम असम एकॉर्ड का सिग्नेटरी है, हमारा नेता राजीव जी ने असम एकॉर्ड में साइन किया था। तो जब तक कांग्रेस जब भी मौका मिलेगा ये का हम लोग बातिल करते रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जो 4 जून का बाद जो इंडिया अलायंस का सरकार होगा तो पहला मुद्दा हमारा असम से जितना भी कांग्रेस और हमारा ओपोजिशन का एमपी जाएगा सब लोग मिलके का बातिल का मुद्दा पार्लियामेंट में लाएगा। देखिए आप बीजेपी से अच्छा से हिसाब आपको मिल रहा है, पहले जी उस पार्टी ने 14 मिलेगा बोल रहा था, कांग्रेस 0 में जाएगा बोल रहा था, वो भी काउंटिंग के लिए वो भी 7-8 दिन फिर बसा है, तो और खुद 3rd 11 में आ गया, तो और 4-5 दिन ये वेट कर लीजिए। देखिए एक नज़रा ही काफ़ी है, ऐसा सभा जनसभा पहले हम लोग ने कभी भी नहीं देखा, मैं 30 साल सार्वजनिक जीवन में हूँ, ऐसा जनसभा नहीं देखा जब भीड़ ने अपना नेता को मिलने का जो कोशिश किया तो अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी ने भाषण देने का मौका नहीं मिला। ये जो परिवेश पूरा देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश में जो परिवेश हमने सभा में देखा जनसमुद्र में देखा, जे राजीव राहुल गांधी जी को अखिलेश जी को मिलने के लिए जो जनता का उत्साह था, इससे मालूम होता है हवा किस तरफ जा रहा है।